मैं आपके बीच की एक बेटी को बुलाना चाहता हूँ, क्योंकि कार्यक्रम की शुरुआत में सबसे पहले घर के आंगन की तुलसी को जल चढ़ाना चाहिए। यस और नो? बरगद को बाद में चढ़ाइए, पहले घर के आंगन की तुलसी को जल चढ़ना चाहिए। तो आयुषी इस मंच पर आएगी। आयुषी आपकी अपनी परिवार की है, आपके अपने बीच की है, एक बार तालियां बजा के बुलाइए जाइए। सबसे पहले तो मैं कलमकार परिवार का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी, क्योंकि भैया माइक का बेस बढ़ा दो, इको जीरो कर दो, इको को खत्म कर दो और बेस बढ़ा दो, थोड़ा सॉफ्ट बनाओ, ये थोड़ा सा हार्ड चल रहा है। सबका ध्यान फिलहाल यहाँ पर खींचते हुए, आप सभी को अंदाजा भी नहीं होगा आज का दिन मेरे लिए कितना कितना महत्वपूर्ण है। इस स्टेज पर आप सभी कवियों के बीच मौजूद हो पाना, मैं आपके आसपास भी नहीं हूँ। आयुषी अनामिका भी ऐसी ही थी। आप हमारे लॉटरी खोलने वाले पढ़ो। तो उम्मीद है कुछ दो तीन गजलें पेश करना चाहूंगी उनके। बहुत अच्छे, मक्ता समाज फरमाइएगा। अरे वाह, क्या बात। कुछ इस कदर कोई तोड़ दे मुझे। अरे भैया टाइमिंग ठीक है। तो मतलब समाज फरमाइएगा। कुछ इस कदर कोई तोड़ दे मुझे, मुख्तसर रूह से झिंझोड़ दे मुझे। हंसू तो गमों की बौछार हो जहां, हंसू तो गमों की बौछार हो जहां, उस अंधेरे में कोई छोड़ दे मुझे। जागी है सदियों से ये आंखें मेरी, जागी है सदियों से ये आंखें मेरी, ताउम्र सोऊं जहां, वो हंसी मोड़ दे मुझे। और खुशियों में मातम मनाती हंसू, खुशियों में मातम मनाती हंसू, ऐसे किसी जहर का निचोड़ दे मुझे। कोई आस न रहे सदियों तलक, कोई आस न रहे सदियों तलक, फकत उम्मीदों से ही जोड़ दे मुझे। मजा आए जिससे हार जाने का, मजा आए जिससे हार जाने का, ऐसी किसी बाजी की होड़ दे मुझे, ऐसी किसी बाजी की होड़ दे मुझे। और जिसे इतना तरसती है आयुषी, जिसे इतना तरसती है आयुषी, वो बाह पकड़कर मरोड़ दे मुझे। बाकी पांच ऐसे खो दिए तुमने। काफी लोगों का यहाँ पर समझ सकती हूँ जो भी दर्द है या फिर जिस तरीके से आप चीजों को समझना चाह रहे हैं। तो इसी के साथ आयु से डरने की जो जुड़ते हो तुम्हारे साथ, तो ये भी एक आप बीती पर ही एक नजर रखने की कोशिश की थी। जी, 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 शर्त ये कि तू हो तन्हा मेरी तरह, शर्त ये कि तू हो तन्हा मेरी तरह, संभाले उदास काफिला मेरी तरह, सुकून के लम्हों में नशीली जाम सा, सुकून के लम्हों में नशीली जाम सा, पाक इरादे शाम तन्हा मेरी तरह। और नई गजल में कई अशआर पुराने, अशआर मतलब होते हैं ये दो पंक्तियां जो कि हम गजलें की गजलों में, मतलब एक गजल में पांच शेर होते हैं जिनमें से एक एक अशआर होता है। तो नई गजल में कई अशआर पुराने और मक्ते में नाम तेरा मेरी तरह। एक नई रस्म करूं ईजाद जिसमें हो, एक नई रस्म करूं ईजाद जिसमें हो, औरों का तुझे छूना मना मेरी तरह। रिश्तों में बंधने लगे गिरह जब भी, गिरह मतलब होता है गांठ, तो रिश्तों में बंधने लगे गिरह जब भी, इल्जाम खुद पर न लेना मेरी तरह। बहुत अच्छा। कितने
आए तुझे किसी ने नहीं चाहा मेरी तरह। तो खलीज का मतलब होता है एक छोटा सा नदी, छोटी नदी। अब भी मुझसे खलीज पार नहीं हुआ, अब भी मुझसे खलीज पार नहीं हुआ, किसी में इतना मत डूबना मेरी तरह। और मक्का देखेगा, आज फिर एक अनजान मिला जो, आज फिर एक अनजान मिला जो तुझे देखकर देखता रहा मेरी तरह। वाह वाह वाह। तो एक और गजल का मतलब समाप्त करूंगा। वो दूर था तो मुझे खुशहाल कौन करेगा, वो दूर था तो मुझे खुशहाल कौन करेगा, बार बार मुझसे ये सवाल कौन करेगा। कुछ बातें ये सोचकर अनकही रखी, कुछ बातें ये सोचकर अनकही रखी, उन्हें खोने का मलाल कौन करेगा। फकत कुछ खत मेरी अमानत रहने दो, फकत कुछ खत मेरी अमानत रहने दो, इन्हें खोया तो तेरा ख्याल कौन करेगा। और रफू का मतलब होता है जहाँ पर कहीं पर अगर थोड़ा सा कुछ फट जाए तो उसे हम रफू करते हैं, मतलब हल्की सी सिलाई चढ़ाते हैं। तो रफू ना करेंगे हर बिखरते रिश्ते को फिर, रफू ना करेंगे हर बिखरते रिश्ते को फिर, जरूरत में हमारा इस्तेमाल कौन करेगा, जरूरत में हमारा इस्तेमाल कौन करेगा। झांकते हैं खिड़की से बेलौन ये सोचते, झांकते हैं खिड़की से बेलौन ये सोचते, मियां उसके होंठ अब लाल कौन करेगा। तो यतीम मतलब होता है अनाथ। यतीम सोचता रहा इस जहां में उससे, यतीम सोचता रहा इस जहां में उससे, एतबार की मजाल कौन करेगा। रोज़े हिज्र का मतलब होता है वो दिन जिस दिन आप अपने आशिक या फिर जो भी आपका पार्टनर होता है आप उससे अलग हो रहे होते हो या फिर मुझे कहीं तो ब्रेकअप कर रहे हो। तो रोज़े हिज्र यही सोचती रही आयुषी, रोज़े हिज्र यही सोचती रही आयुषी, उन अशकों पर अब सवाल कौन करेगा, उन अशकों पर अब सवाल कौन करेगा। बहुत बहुत